मुझे पता है रात में खाने के बाद आपकी टहलने की आदत है। अगर आज रात आप ना जाएं, तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी सलाह है आज आप आराम करें, घर से बाहर कहीं भी ना जाएं। बातें तो होती रहेंगी, आप सब अंदर आइए ना, मैं खाना लगा देती हूँ। बाबा, आप तो जानते हैं ना कि मेरी मामी शिरडी में रहती है, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं उनसे मिल आऊं। अरे इसमें अनुमति की क्या बात है, तुम्हारी आत्या सास का घर है, तुम्हारा भी तो घर है ना, जा जा। क्या जी? मैं अभी आई। हाँ चल सुदामा, आ जा। अगर तापी ताई ये सोचती है कि ये बाहर मटर गस्ती करेंगी और मैं घर का काम करूंगी, तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। कैसी आवाज है ये? पता लगाता हूं मैं। साई, आप इतनी रात कहाँ जा रहे हैं? आओ मेरे साथ। थोड़ा समय तो लगेगा, इसलिए शरीर को ज्यादा कष्ट मत दीजिए, आराम कीजिए आप। सुदामा, साई ने तुम्हें रात को टहलने के लिए मना किया था ना, फिर क्यों गए? साई की बात क्यों नहीं मानी तुमने? और ये कैसी जगह है यार, जंगली जानवर क्या खुले में घूमते हैं? ऐसा नहीं है रेणुका, मामी जी बता रही थी कि शिरडी हर तरह से सुरक्षित है। बाघ जंगल के बाहर आ गया था, ये तो खतरे की घंटी है। हाँ भाऊ, तुम सही कह रहे हो, आज शिरडी की सीमा पर था, कल हो सकता है हमारे गांव में घुस आए, तब तो ना हम सुरक्षित है ना हमारे घर वाले। हमें उसे निपटने के लिए कुछ ना कुछ तो जल्द ही करना होगा, लेकिन क्या करें, वो बाघ है, गाय या भैंस नहीं। किसी शिकारी को बुला लेते हैं हम अपने गांव में, वो मार के रहेगा। अगर हम चाहे तो उसे अपने जाल में फंसा कर उसे लाठी से मार मार के मार सकते हैं। अगर मार नहीं पाए और अगर डराने में भी कामयाब रहे
तो भी वो शिरडी की सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। नहीं, आप लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन क्यों साहिब? आप लोगों ने कहा कि बाघ जंगल के बाहर आ गया था, लेकिन ये सच नहीं है। सच ये है कि सुदामा जी जंगल के अंदर गए थे, इसलिए गलती बाघ की बिल्कुल नहीं है। इस घटना में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है जिसे कि हम देख नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, और किसी भी वन्य जीव को नुकसान पहुंचाने का समर्थन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। एक हिंसक जंगली जानवर ने इंसान पर हमला किया, क्या इस घटना को हल्के में लेना बुद्धिमानी है? साई ने कभी किसी को कोई गलत सलाह नहीं दी है ना, और जब ये कह रहा है कि हम वन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मतलब नहीं पहुंचाएंगे। संभल के रहना होगा भाइयों, बहुत बुरी तरह हमला किया है उस बाघ ने। मरने से अच्छा है कि डर के संभल जाओ। मैंने तो अपने बच्चों को बोल दिया है कि सूरज ढलने से पहले वो घर वापस आ जाए। घर के अंदर सोते हैं अब हम लोग, आंगन में सोना छोड़ दिया। आप लोग भी शाम को घर से संभल कर निकले और कोशिश करें कि बाहर ना जाना पड़े, सबकी जान को खतरा है। होगा खतरा, लेकिन मुझे किसी का कोई डर नहीं। जब साई साथ है तो डर किसका? पछताने से बेहतर है कि हम खुद को सुरक्षित रखें। बाघ को नुकसान पहुंचाने से साई ने हमें मना किया, इसलिए खुद को बचाने के लिए कुछ तो उपाय करना पड़ेगा ना। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हमले के कारण सब लोग बहुत डरे हुए हैं साई। लोग क्या महसूस करते हैं उन्हें महसूस करने से तो हम नहीं रोक सकते, हम तो बस उन्हें समझा सकते हैं। ईश्वर हमें विवेक देता है, लेकिन वो हमसे हमारी इच्छाओं को नहीं छीनता, तो ये हम पर निर्भर करता है कि अपने विवेक का उपयोग करते हुए हमें अपनी किन इच्छाओं को पूरा करना है और किन्हें नहीं। साईं, तुम इस हमले से इतने परेशान क्यों नहीं हो? डर वहां होता है जहां अज्ञान हो, क्योंकि डर अज्ञान से ही उपजता है, पर जहां ज्ञान हो, सच्चाई हो, वहां डर के लिए कोई स्थान नहीं। तुम फिर पहेलियों में बात करने लगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम साफ साफ कहो ना। सुनो सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। सभी शिरडी वासियों से अनुरोध है कि वो तुरंत चावड़ी में उपस्थित हो। कुलकर्णी सरकार एक जरूरी फरमान सुनाना चाहते हैं। चलो। साई, चलो ना, देखते हैं सरकार क्या कहने वाले हैं। We'll be right back.
हरिओम हरिओम। मेरे प्यारे शिरडी वासियों, जंगली जानवरों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि अगर उनके मुंह रक्त का स्वाद लग जाए तो फिर वो नरमांस भक्षक बन जाते हैं, आदमखोर बन जाते हैं, और फिर उन्हें रोकना किसी के वश में नहीं होता। सुनने में आया है कि ऐसे ही किसी जंगली पशु ने, जानवर ने, शिरडी के किसी व्यक्ति पर आक्रमण किया। पड़ोस वाले गांव में भी ऐसी घटना घटने की सूचना मुझे मिली है। स्पष्ट है कि शिरडी के सीमा के पास जो जंगल है उसमें कोई बाघ घूम रहा है। हरिओम हरिओम। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम लोगों को। मैं कुलकर्णी सरकार हूं, शिरडी का मुखिया हूं, और मुखिया होने के नाते आपकी सुरक्षा का दायित्व मुझ पर है। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि हम शिरडी की सीमा पर एक दीवार बनाएंगे। दीवार दीवार बनाने के पश्चात ना ही कोई जानवर शिरडी में प्रवेश कर पाएगा और ना ही किसी पर हमला कर पाएगा। हरिओम। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई जरूरत है। मुझे पता था बैरागी कि तू अपनी नाक बीच में जरूर घुसेड़ेगा। अब बताइए तेरे कहने के पीछे क्या तर्क है? हाँ है, शिरडी के चारों ओर घने पेड़ हैं। क्या दीवार बनाने के लिए हम सब पेड़ों को नष्ट कर देंगे? और अगर पेड़ों को नष्ट करके हमने दीवार बना भी ली तो मालिक जाने हमें कौन से नए संकट का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम्हें शिरडी वासियों की सुरक्षा से भी अधिक पेड़ पौधे और जंगली जानवरों की चिंता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम चाह रहे हो कि वो जानवर शिरडी वासियों पर हमला करें, फिर वो जख्मी लोगों का तुम इलाज करते रहो, उनकी चिकित्सा करते रहो, उनके प्राण बचाने का प्रयास करते रहो और फिर अधिकाधिक उनमें लोकप्रिय बनते रहो? हम इतना सख्त फैसला कैसे ले सकते हैं, जबकि सच तो ये है कि हम ये भी नहीं जानते कि सुदामा जी पर बाघ ने हमला किया क्यों था। हरिओम हरिओम। क्या बिना सिर पैर की बात कर रहा है तू पाखंडी? क्या हम बाघ से जाकर पूछें उसने हमला क्यों किया? सीधी सी बात है, वो भूखा था इसलिए उसने आक्रमण किया। और उसके अतिरिक्त संभवतः तुमने सुना नहीं कि मैंने सुझाव नहीं मांगा, मैंने अपना निर्णय दे दिया है। और जहां बात श्रीनिवासियों की सुरक्षा की हो वहां मैं कोई जोखिम नहीं उठा सकता। दीवार बनाने का प्रस्ताव मैंने अंग्रेज सरकार को भेज दिया है। अंग्रेज सरकार शीघ्र ही मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति दे देगी। उसके पश्चात हम शिरडी की सीमा पर दीवार बनाना आरंभ करेंगे।
हरिओम। ये लो मामा, शिरडी वासियों के हित के लिए, गांव के भले के लिए कुलकर्णी सरकार कभी कुछ अच्छा नहीं सोच सकते, पर उन्होंने दीवार बनाने का सोचा है तो इसमें भी उनका कोई ना कोई हित जरूर होगा। रेनुका, फल कटे नहीं क्या अभी तक? हो ही गया, बस अभी आई। तापी अब बस करो, ले भी आओ फल बाहर। बस हो गया, अभी आई। दोनों बहुएं एक दूसरे की विपरीत है, एकदम अलग। बेचारा दादा, उसके लिए तो एक तरफ कुआं एक तरफ खाई। भाई, तेरी बोली सुन मैंने। क्या है ये? पपीता। बस बस, यही इतना ज्यादा है, इसे भी तो खत्म करना है ना। वहीं लीजिए ना। अरे वाह, बिल्कुल एक तरीके के काटे सब। कैसे कर लेती हो? मेरी आई ने सिखाया। और धनिया के पत्तों से स्वाद और बढ़ जाता है। पपीते का? हाँ। बाईजा अक्का, बाईजा अक्का, आओ कावेरी। अरे आप तैयार नहीं हुई? आप आके यहाँ पूजा के लिए जाना है ना? अरे देवा, मैं तो भूल ही गई। कावेरी, मैं नहीं आ पाऊंगी, हाँ तुम चली जाओ। भाईजा आपका चलिए ना, घर में मेहमान आए हैं, खाना बनाना बाकी है और फिर पानी भरने जाना है इतने लोगों के लिए। एक काम करो, मेरी तरफ से आभा से माफी मांग लेना और मेरी ना आने की मजबूरी भी बता देना। हाँ, अरे भाईजा, पड़ोस में पूजा है, हमारे घर से कोई नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं लगता। तुम एक काम करो, पूजा में जाओ।
काम की चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारे जाने के बाद भी दो बहुएं हैं ना घर में, रेनुका और तापी की आत्या सास का घर है, कोई पराया थोड़ी है, अपना घर समझ के दोनों खाना बना लेंगी। शिरडी ये सोच के आई थी कि यहां आराम मिलेगा मुझे, लेकिन नहीं, यहां भी वही चूल्हा चौका। इस बार लक्ष्य भेदा है मैंने, और वो पाखंडी चाहकर भी मेरी योजना को असफल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार जो मैंने दांव खेला है वो उसकी कल्पना से परे हैं। पे आक्रमण करवा के मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। अब मैं गांव वालों की सुरक्षा के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ूंगा और उनका नायक बन जाऊंगा। हरिओम। इन दोनों की आत्या सास का घर है, कोई पराया थोड़ी है, अपना घर समझ के दोनों खाना बना लेंगी। बना लोगी ना खाना तुम दोनों? फिर ठीक है, चली जाती हूं मैं, लेकिन हाँ, खाना बनाने से पहले ना पानी भरने जाना होगा। वैसे आधा मटका पानी है, उसमें से खाना बन जाएगा, लेकिन पीने के लिए और बर्तन मांजने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी ना। आत्या भाई, मैं और रेनू का पानी भर लेंगे। अच्छा हम भर लेंगे। तो तय हुआ, तुम दोनों पानी भर के लाओ और तब तक तापी खाना बनाना शुरू कर देगी। जी। जब रेनू का पानी भर के आएगी तो खाना बनाने में तुम्हारी मदद करेगी। चला चला जल्दी करो, जल्दी जल्दी हाथ चला। कौए, अभी तक अंग्रेज सरकार की तरफ से इस प्रस्ताव को अनुमति नहीं मिली है और तूने कार्य भी प्रारंभ कर दिया। संभवतः तो भूल रहा है बंदर, तूने ही कहा था अगर मैं अंग्रेज अधिकारियों से कुछ कहूँ तो वो मना थोड़े ना करेंगे, तो विलंब क्यों, सुबह शीघ्रम। बहुत सही जा रहा है तू। लेकिन यहाँ चारों तरफ पेड़ हैं, कटेंगे। एक मित्र होने के नाते मेरा बात बता देने का कर्तव्य है कि इस निर्माण के अपने नतीजे हो सकते हैं। मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरा केवल एक ही लक्ष्य है, तेरे साथ मिलकर पैसे कमाना। तू तो बिल्कुल मेरी तरह सोचता है, हमें तो शीघ्र ही साझेदार हो जाना चाहिए। आलस्य नहीं, शीघ्रता से हाथ चलाओ। अंता। जी सरकार। बूढ़ों को काम पे क्यों रखा, ऐसे तो वर्षों लग जाएंगे दीवार बनने में।
अगर काम करने बनता नहीं तो काम करने आते क्यों? काम करने के लिए ही आया हूँ। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे काम करने दीजिए, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। अरे चल निकल यहाँ से। आप यहां बैठिए, आइए बैठ जाइए। थोड़ा पानी मिलेगा क्या? मैं क्या तेरा नौकर हूं जो मुझ पे हुक्म चला रहा है? उधर रखा है, खुद जाके ले। शुक्रिया। अरे चलो जल्दी काम करो अपना। चलो 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 जल्दी जल्दी काम करो। पाखंडी कहीं का ये वही है ना साई, जिसके बारे में तुम बता रहे थे? ये लो काका। हाँ वही है, ऐसा ही पाखंड करके, लोगों की सेवा का स्वांग करके इसने शिरडी वासियों को अपने वश में कर लिया है। फिर तो इससे दूर रहने में ही भलाई है, पर मैं उम्मीद करता हूं कि ये हमारे काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा। करके तो देखे, इसकी चाल पर मैं इसे ही मात दूंगा। शुक्रिया साईं। ऐसा फंसाऊंगा कि दोबारा मुंह उठा के यहां नहीं आएगा। कैसे? सरकार, सरकार मुझे काम करने दीजिए। सरकार कैसे काम करेगा तू? तेरे पैर में तो चोट लगी है। कुलकर्णी सरकार ठीक कह रहे हैं काका, तुम्हें आराम करना चाहिए। आराम करूंगा तो परिवार भूखा मरेगा। बैरागी कुछ सीख, ये बुड्ढा सही कह रहा है। तेरी तरह लोग अपना जीवन दीक्षा मांग मांग के तो नहीं काट सकते। तुझमें तो स्वाभिमान है नहीं, लेकिन इन लोगों में है। बड़ी डींगे हाँकता है ना तू? लोगों की सेवा करता हूं, उनका दुख दर्द दूर करता हूं, परेशानियां दूर करता हूं, तो इस बुड्ढे की मदद क्यों नहीं कर रहा है तू? अगर इसने काम नहीं किया तो इसे पैसे मिलने से रहे, क्योंकि अंग्रेज सरकार इस काम के लिए पैसे दे रही है, इसलिए मुझे उन्हें पाई पाई का हिसाब देना होगा। चलो ऐसा करते हैं, तू इसके हिस्से का काम कर। फिर मैं जो तुम्हें परिश्रमिक दूंगा वो तुम इस बुड्ढे को दे देना। ऐसा लगा सुझाव? दे। ये लो। आरंभ करो काम, लेके हरि का नाम।
आए थे हरी भजन को ऊटन लगे कपास। सोचा था शिरडी में मौज मस्ती करूंगी, लेकिन नहीं, फंस गई यहाँ रसोई में। हलवाई बना दिया रेनुका की बच्ची ने, हमेशा मुझे फंसा देती है और खुद चालाकी से हमेशा बाहर चली जाती है। मजा आ गया। अच्छा हुआ आपने जल्दी से कह दिया कि हम पानी भर के ले आएंगे, वरना ये मजा कहाँ आता। अब हम आराम से घूम घाम के जाएंगे, और वैसे भी वहिनी ने कहा था कि घर में खाना बनाने लायक पानी है, तो तापिताई खाना बना लेंगी। क्यों, सही कह रही हो ना मैं? बिल्कुल सही कह रही हूँ। वैसे भी और पानी पीने के लिए और बर्तन बासन के लिए चाहिए था, फिर जल्दी क्या है जाने की। वो बात नहीं है, अगर हम घर जल्दी जाएंगे तो मुझे तापी ताई के साथ खाना बनाना पड़ेगा। तुम्हारी ये आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी मेरे साथ हो और ध्यान तुम्हारा वहीनी पर है, काम पर है। अरे मजा लो इस पल का, ये पल दोबारा लौट कर नहीं आने वाला। मैं तुम अपने हाथों से खिलाता हूँ, चलो मुंह खोलो, मुंह खोलो। रहने दीजिए, ये काम मैं कर लूंगा। कुलकर्णी सरकार ने ठीक कहा काका, मुझे आपकी मदद करनी ही चाहिए। ये मेरा कर्तव्य है और मैं इसे खुशी से कर रहा हूं। हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता, मोरे तारणहार। परम ज्ञान का भरते अंजन, अलख निरंजन साईया। अज्ञान तिमिर से घिरा भयंकर, होती शुभंकर साई। तुझे इससे दूर रहने को कहा था और तूने इसे ही काम पर लगा दिया। लगा नहीं दिया, इसे फंसा दिया है मैंने। पूरा गांव परिश्रम करता है और ये पाखंडी उनके परिश्रम पे अपना पेट पालता है। अब इसे पता चल जाएगा दाल आटे का भाव। hmm.
नमस्ते वहनी। तापी मेरी भांजी है, मैं उसी से मिलने आई हूँ। अच्छा, तुम तापी की मामी हो? अच्छा अच्छा। तापी है घर पे? हाँ है ना, खाना बना रही है। अब तो खाना बन भी गया होगा, जाओ जाके मिल लो। अरे मामी, आप? मामी, ये सब क्या कर रही है तू? तो मेरी बात कब सुनेगी और कब समझेगी? बस खाना ही बना रही। ये छोड़ ये सब। मैंने तुझे कितनी बार समझाया, तू इस घर की बड़ी बहू है, यहाँ तेरी हुकूमत चलनी चाहिए। और तू चाकरी कर रही है, घर की तो घर की, बाहर की भी। मामी ऐसी बात नहीं है, ससुराल में मेरी हुकूमत चलती है। यहाँ थोड़ा तो समझौता करना पड़ेगा ना, मेहमान है हम लोग। और आत्या बाई ने कहा है तो उन्हें ना नहीं कर सकती, क्या सोचेगी मेरे बारे में? और वैसे भी बाईजा वैनी पूजा में गई है, इसीलिए मैं खाना बना रही हूँ। अरे तेरी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन तेरी देवरानी का क्या? वो तो मजे कर रही है ना। मैंने तो ये सोच के काम शुरू किया था कि रेणुका पानी लेके आएगी और उसके बाद मेरी मदद करेगी, लेकिन नहीं, महारानी तो राजा बाबू के साथ सैर सपाटा कर रही है। इसीलिए तो समझा रही हूँ, अपनी देवरानी का हमेशा लगान खींच के रखा कर। आप ठीक कह रही हैं मामी, गलती मेरी है, मैंने ना इन्हें बहुत छूट दे दी है, लेकिन आप देखिए मैं क्या करती हूँ। क्या कर रही है तू? खाना बनाने के लिए जितना पानी बचा था ना, सब बाहर। क्या सोचती है वो कि सबसे ज्यादा वही अकलमंद है? और मैं यहाँ घास छिल के आई हूँ, पूरा काम मैं करूँ और वो महारानी बैठ के सिर्फ खाना खाएगी? नहीं, अगर खाना खाना है ना तो उसे भी आधा काम करना पड़ेगा। और मामी आज देखिएगा, सबके सामने मैं ना उसका ऐसा पर्दाफाश करूंगी कि उसे समझ में आ जाएगा कि किससे पाला पड़ा है। चलिए माँ, अब मैं भी जाके थोड़ा आराम करती हूँ। अब ये खाना बने या ना बने, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। भाईजा, खाना परोस दो, बहुत भूख लगी है। वो अभी तक आई नहीं है, तापी ने खाना बना दिया होगा। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना परोस देती हूँ। आई, आप बैठिए, मैं परोस देती हूँ खाना। वैसे आभा पूछ रही थी आपके बारे में। अच्छा। हे देवा, ये क्या हाल बना दिया है मेरी रसोई का। तापी, रेणुका, क्या हुआ भाईजा? विठला, ये सब क्या कर रखा है? जी नहीं, तापी, ये क्या है सब? और खाना क्यों नहीं बनाया अब तक? हाँ, कैसे बनाती वेनी? रेणुका तो अभी तक पानी लेके आई नहीं है। अभी तक नहीं आई, गई वो। और खाना बनाने के लिए थोड़ा पानी था ना? नहीं वैनी, पानी होता तो मैं खाना जरूर बना देती। मैंने सारे बर्तन में देखा, सब के सब खाली, और रेणुका को कोई आता ही पता नहीं है। अरे, आधा मटका पानी था, मैंने खुद देखा था, और वो खाना बनाने के लिए काफी होता है, झूठ क्यों बोल रही हो? आ 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
चलो खाना खाने की छुट्टी, आधे घंटे के अंदर खाना खा के सुस्ता के काम शुरू हो जाना चाहिए। चलो साई, अब छोड़ भी दीजिए। अब मैं ठीक हूं, बाकी का सारा काम मैं कर लूंगा। ठीक है। क्या कहा था मैंने तुम्हें बंदर, ये फकीर दोबारा भूल के भी यहां नहीं आएगा। ए फकीर, कहां जा रहा है फकीर, अपना पारिश्रमिक तो लेता जा। आज तक मैं तुम्हें भिखारी कहता था, लेकिन ये भिक्षा देकर मैं उस पर मोहर लगा रहा हूं। तू भिखारी के सिवा और कुछ नहीं है। कौन? भिखारी। सबूरी के ही जिसने सिखा, उसी की परीक्षा के ये पल में आज आए। बदरा बुराई के ये जितने भी छाए, साईं मेरे अच्छाई का जल बरसाए। कष्ट जो अपार साईं हंस के उठाए, मन में साईं के क्या है कौन जान पाए। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। नहीं बहनी, पानी होता तो मैं खाना जरूर बना देती। मैंने सारे बर्तन में देखा, सब के सब खाली। और रेनुका का कोई पता नहीं है। अरे आधा मटका पानी था, मैंने खुद देखा था। और वो खाना बनाने के लिए काफी होता है, झूठ क्यों बोल रही हो। ये क्या कर रही है तू? खाना बनाने के लिए जितना पानी बचा था ना, सब बहा दिया।
देखिए ना, सब के सब मुझे झूठी बोल रहे हैं। तुम चिंता मत करो, मैं बात करता हूँ। आत्या, तापी झूठ क्यों बोलेगी? अरे आधा मटका पानी था, वो कहाँ चला गया? चला नहीं गया, आ गया। हम ले आए। तुम? तो ये तुम्हारा किया धरा है ना? क्या? दादा आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? बनो मत रेणुका, सब जानता हूँ मैं। मटके का पानी तुम ही ने फेंका है ना? मैं ऐसा क्यों करूंगी? वो इसलिए कि तापी खाना ना पका सके और उसे डांट सुननी पड़े। तुम खुद तो कामचोर हो ही, साथ में दूसरे का काम भी बिगाड़ के रख देती हो। दादा सोच समझकर बोलिए। वाह देवर जी, ये है आपकी तमीज? बड़े भाई से कैसे बात करते हैं ये भी नहीं आता आपको? दूसरों को तमीज सिखाने से पहले खुद को देख लीजिए। जब दो लोग बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। बड़े आए मेरे पति को तमीज सिखाने वाले, पहले खुद सीखे कि देवर देवरानी से कैसे बात करते हैं। तेरी इतनी हिम्मत? मत बोल रेणुका, मैं तुझसे बड़ी हूँ, उम्र में भी और रिश्ते में भी। छोटी समझ के झूठ दे दी तो तेरे पर निकल आए। अब दिखाती हूँ कि बड़ी बहू क्या कर सकती है। ये गलत फहमी भी आप दूर कर लीजिए। गलत फहमी तो तुम्हारी दूर करनी है मुझे। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। अरे आप क्या समझती है अपने आप को? इस तरह क्यों लड़ रहे हैं? अब मुझसे और साथ नहीं जाता। मेरे विचार से हमें मामा जी को साई के पास लेकर जाना चाहिए। हाँ। मुझे सुदामा जी से अकेले में कुछ बात करनी है। जी साईं। हमले के बाद से बहुत कमजोरी महसूस कर रहे होंगे आप। ये लीजिए, पी लीजिए, आराम मिलेगा। तन की पीड़ा का उपचार औषधि से संभव है, लेकिन मन की पीड़ा केवल दूसरों से बांटने से ही कम होती है। अगर मन की बात मन में रह गई तो घाव कभी नहीं भरेंगे, दुख कभी ओझल नहीं होगा। इसलिए आपके मन में जो भी बात है आप खुलकर मुझसे कह सकते हैं। कहिए। साईं, जब तक मेरी पत्नी जिंदा थी हमारे परिवार में खुशियां ही खुशियां थी। मेरे दोनों बच्चों में आपस में प्रेम भी बहुत था। मेरी पत्नी ने आंखें क्या बंद की, हमारे घर से सुख चैन
सब कुछ छिन गया, घर को घर औरत बनाती है, यही सोचकर विनायक की शादी कर दी ताकि घर में औरत की कमी महसूस ना हो। तापी अच्छी लड़की है, बस साफ सफाई का ध्यान नहीं रख पाती, पर भली है। 2 साल पहले मैंने दत्तात्रेय की शादी रेणुका से करवा दी। उसकी शादी के बाद तापी को लगने लगा कि वो उससे बड़ी है, तो रेणुका को उसकी हर बात माननी चाहिए और उसके नियंत्रण में रहना चाहिए। अब रेणुका आजाद ख्यालों वाली है, थोड़ा बचपना है उसमें और थोड़ी मुंहफट भी है, इस वजह से दोनों में ठनी रहती है, जुड़ाव कभी नहीं रहता। दोनों के झगड़ों का प्रभाव मेरे बेटों पर पड़ने लगा और वो भी अपनी अपनी पत्नियों का पक्ष लेकर लड़ने लगे। पिछले 2 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमारे घर में झगड़े ना हुए हों। होली, दिवाली, दशहरा, इन पर्वों में लोगों के घरों में खुशियां मनाई जाती हैं और हमारे घर में झगड़े होते हैं। मिठाई कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, मैं क्यों बनाऊं, वो क्यों नहीं बनाएगी। अब तो आस पड़ोस के लोग भी मजाक उड़ाने लगे हैं, भेड़ बकरियों की तरह लड़ते रहते हैं, ये देखकर मुझे भी शर्म आती है। अब मैं तंग आ गया हूं, इसलिए मैंने एक फैसला लिया है साईं, कि मैं अपनी जायदाद को दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट कर कहीं दूर चला जाना चाहता हूं, जहां 2 पल की शांति हो। ये लोग अपनी जिंदगी जैसे चाहें वैसे जिए, मैं अपनी बची हुई जिंदगी शांति से जीना चाहता हूं। आपको क्या लगता है, इससे आपकी समस्या हल हो जाएगी? आप संसार में कहीं भी रहे, अपने बच्चों की चिंता तो बनी ही रहेगी आपको। परेशानी से मुंह मोड़ लेने से परेशानी चली तो नहीं जाती। तो मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आइए मेरे साथ। जानते हैं वो चिड़िया चहचहा कर अपने बच्चे से क्या कह रही है? क्या कह रही है? उसे प्रोत्साहित कर रही है वो उड़ने के लिए, पर बच्चा छोटा है तो वो डर रहा है। अरे बच्चा गिर गया, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। रुकिए, देखिए क्या होता है। साईं, मेरी समस्या क्या, इससे क्या लेना देना? आपके बच्चों में भी परिवर्तन आएगा, सुधार होगा, लेकिन थोड़ा समय देना होगा, क्योंकि कोई भी बड़ा परिवर्तन एक ही दिन में तो नहीं आ जाता ना। आपको धीरे धीरे छोटे छोटे बदलाव से शुरुआत करनी होगी। अपने बेटों, अपनी बहुओं को कुछ जिम्मेदारियां दीजिए, इससे आपको उनकी क्षमताओं का, उनकी कमियों का पता चलेगा और उसके बाद उसी के अनुसार आप उनका मार्गदर्शन कर सकते हैं, तभी उन्हें परिश्रम का महत्व समझ में आएगा, परिवार का महत्व समझ में आएगा, जीवन की कठिनाइयों को समझ पाएंगे वो, और तभी वो इकट्ठे रह सकते हैं। तो साईं, आप ही बताइए कैसे होगा ये सब संभव?
अब मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं, खास करके सुदामा जी के परिवार से। साईं, तापी की कोई गलती नहीं है, उसे खाना बनाने को बोला गया, वो तैयार हो गई, लेकिन जब घर पे पानी नहीं था तो वो क्या करती? झूठ। सबको पता था कि घर में पानी है, बस तापी ताई को तो कोई ना कोई बहाना चाहिए था खाना नहीं बनाने का, और कुछ नहीं। और तुम्हारा क्या बहाना है? हाँ, जितनी देर में पूरे गांव का पानी आ जाता तुमने उतनी देर लगा दी पानी लाने में। अगर खाना बनाने की इतनी चिंता थी ना तो पानी लेके जल्दी क्यों नहीं आई? क्या आपको पता है वहां कितनी भीड़ थी? भीड़ कहाँ? कुएं पे या चाट पकौड़े की दुकान पे? देखिए आप शांत शांत हो जाइए आप लोग। आप सभी लोगों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलेगा, लेकिन इस तरह लड़ाई झगड़ा करने से तो किसी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता ना। आप लोगों को यह सिद्ध करना चाहिए कि आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो झूठे हैं, असत्य हैं। लेकिन कैसे? बचे हुए काम को पूरा करके। लेकिन इस बार काम अकेले अकेले नहीं करना है, इस बार काम जोड़े के रूप में किया जाएगा। दोनों पति पत्नी जोड़े के रूप में काम करेंगे और हां, इस बार काम को बांटा नहीं जाएगा, दोनों जोड़े एक ही काम करेंगे। इसे एक प्रतियोगिता के रूप में समझ लीजिए। प्रतियोगिता? उससे क्या होगा साईं? जीतने वाले जोड़े को मेरी ओर से एक पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार? कैसा पुरस्कार साईं? ये मैं अभी नहीं बता सकता। मैं तैयार हूँ साईं। हाँ हाँ, तो मैं कौन सा डरती हूँ, मैं भी तैयार हूँ साईं। तो फिर ठीक है, शुभस्य शीघ्रम। सुदामा जी, आप दोनों जोड़ों को 8-8 आने दे दीजिए। तो आपके बाबा ने आपको जो पैसे दिए हैं उससे बाजार जाकर ताजी हरी सब्जियां खरीदनी है, जो चाहे वो सब्जी खरीद सकते हैं, पर हां ध्यान रहे थोड़ा समझदारी से, जो भी जोड़ा इन पैसों से ज्यादा ताजी सब्जियां खरीद कर लाएगा वही विजेता होगा। ठीक है? कैसा बेवकूफी का काम है ये। खैर, मुझे तो मतलब रेणुका और दत्तात्रेय को हराकर पुरस्कार पाने से है बस। आहो, चाहे कुछ भी हो जाए ये प्रतियोगिता तो हमें ही जीतनी, और वैसे भी आप इस घर के बड़े बेटे हो तो पुरस्कार तो हमें ही मिलना चाहिए ना। और ये सही समय है रेणुका को ये दिखाने का कि इस घर में उसकी जगह क्या है, बड़ा कौन है। इज्जत मांगने से नहीं मिलती, उसके लायक बनना पड़ता है। जाने दीजिए उन्हें, जिस काम से हम आए हैं हम उसे पूरा करते हैं, और संयोग से तो मुझे वो काम मिला है जिसमें मैं माहिर हूं। भाव, गोभी कैसे? 7 पैसे। और बटाटा? बटाटा 5 पैसे। और ये पालक कैसे दिया? पालक 3 पैसे। ना भाव ना, इन टमाटरों के मैं 5 पैसे से अधिक नहीं दूंगी। ताई, 5 पैसे तो मेरी खरीदी भी नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, हम आपके शिरडी में पहली बार आए हैं, क्या आप मेहमान की इतनी सी बात नहीं मानेंगे? हाँ ताई, लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? देखिए दादा, ताई कहा ना आपने, तो ताई का मान नहीं रखेंगे। ससुराली रिश्तेदारों के यहाँ ठहरी हूँ मैं,
उनके लिए टमाटर की चटनी बनाकर खिलानी है। गलती से थोड़ी सी भी कम पड़ गई ना तो बहुत ताने सुनने पड़ेंगे। क्या अगर आपकी सगी बहन होती तो आप उसकी मदद नहीं करते? अच्छा ठीक है, ले लीजिए। कैसे कर लेते हो? बारिश के कारण इस साल फसल पर बहुत मार पड़ी है, सब कुछ महंगा हो गया है, टमाटर भी 8 पैसे से कम नहीं। ठीक है दे दो। मैंने कहा ना इन दोनों के मैं 5 पैसे से अधिक नहीं दूंगी। नहीं ताई, इतने में नहीं होगा, 10 पैसे से 1 पैसा कम नहीं लूंगा। तो ठीक है रखिए अपने पास, हाट में सबसे अच्छी सब्जियां आपकी है इसीलिए ले रही थी, 1-2 दिन का काम थोड़ी है, लेना देना तो होता रहेगा। और वैसे भी अगले महीने हमारे घर में शादी है, सोचा था सारी सब्जियां आपसे लूंगी, पर आपकी सब्जियां तो इतनी महंगी कौन खरीदेगा। चलिए दूसरी जगह देखते हैं। शादी की सारी खरीदारी मेरे यहां से होगी? अभी नहीं तो बाद में कमा ही लूंगा। ओ ताई, अच्छा ले लीजिए। ये कैसे दिया? बस 5 पैसे। ये भी दे दो। ला, ये लीजिए। अब कितने हो गए मेरे? 50 पैसे। अच्छा आहो, इतनी सारी सब्जियां उठाकर मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है, मेरी मदद करोगे? हाँ क्यों ना, दो। ओहो, जितने पैसे हमारे पास से उतने पैसे में उन्होंने कितनी सारी सब्जी ले ली। कुछ करो, ये तो हमारी हार तो निश्चित है। तुम्हें भी तो खरीदारी करते समय मोल भाव करना चाहिए था ना, अब तो पैसे खत्म, अब क्या करें हम? कुछ करो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी है बस। ये भगवान, रहने दो, आप तो कुछ करते नहीं, कुछ ही कुछ सोचना पड़ेगा क्या। लेकिन भाव, मुझे ना कुछ और सब्जी चाहिए थी, लेकिन ना हमारे पास पैसे खत्म हो गए। आप उधार दे दीजिए, मैं शाम को आके दे जाऊंगी। उधार तो जान पहचान वाले को दिया जाता है, रोज के ग्राहकों को, और आपको तो मैं जानता नहीं। अप्पा पाटिल का तो जानते हैं ना, हम उनके ही रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ रुके हुए हैं। आप पाटिल जी के रिश्तेदार हैं? हाँ। तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, जितनी चाहे सब्जियां ले जाइए, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं। शुक्रिया भाव। लाओ गोभी को। और कितनी देर लगाएंगे आने में, कहाँ रह गए ये लोग? आ गए आत्या। ये देखो आत्या, हम कितनी सारी सब्जियां लेके आए हैं। सच में मोल भाव करने में रेणुका का कोई जवाब नहीं। वाकई अगर मैं गई होती तो शायद मैं भी इतनी सब्जियां नहीं ला पाती, क्यों आई? बिल्कुल। मुझे तो लगता है इस काम में रेणुका ही जीतेगी। ऐसे कैसे वेणी? पहले हमारी खरीदारी तो देख लीजिए, फिर जाके फैसला कीजिएगा। बस इतनी सब्जियां? उधर देखो। Thank you.
तुम तो रेणुका से भी ज्यादा सब्जियां लेकर आई, ये कैसे संभव है? वेनी, तजुर्बा है। रेणुका तो कल की आई हुई बच्ची है। इसके पहले तो मैं ही खरीदारी करती थी। तो अब तो तापी ही जीतेगी, है ना साईं? साईं, जब हम जीत ही गए हैं तो हमारा पुरस्कार कहाँ है? प्रतियोगिता के इस पड़ाव को आपने जरूर जीत लिया है, लेकिन प्रतियोगिता अभी पूरी नहीं हुई है। आप लोग जो सब्जियां लाए हैं उनसे आपको खाना भी बनाना है। उसके बाद ही हम निर्णय करेंगे कि अंतिम विजेता कौन है। प्रतियोगिता तो मैं ही जीतने वाली हूं। पता नहीं कैसे कैसे विचित्र कामों की प्रतियोगिता करा रहे हैं ये फकीर। खैर, मुझे तो पुरस्कार पाने से मतलब है। ठीक है साईं, तो हम चलते हैं। तो अब तुम लोग शुरू कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे खाना पकाने के लिए ना सिर्फ एक घंटे का समय मिलेगा। और याद है ना साईं ने क्या कहा था, जो जीतेगा उसे वो एक इनाम देगा। सबसे पहले सब्जी बनाते हैं। गोविंदा, ये क्या कर रहे हो? साई, यहाँ पानी बह रहा है जिसके चलते चींटियों को बड़ा चक्कर लगाना पड़ रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पानी के ऊपर लकड़ियाँ रख दी ताकि वो सीधा जा सके। ये देखिए साई, कितने आराम से जा रही है। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, और इसके लिए तुम्हें उपहार मिलना चाहिए। ये लो जलेबी। शुक्रिया साई। खा लो। आप लोगे? शुक्रिया।
लगता है तापी ताई ने स्वादिष्ट भोजन बनाया है। मुझे जीतने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि प्रतियोगिता ज्यादा मात्रा में भोजन बनाने की नहीं है। रहता है आपका, आप सारा सामान फैला के रखती हैं, तो गड़बड़ होगी ना। चूल्हे में मिर्च गिरी हुई थी और अभी भी आसपास चूल्हे की मिर्च है, देखिए। लेकिन मैंने तो मिर्च। तापी, रेणुका, समय पूरा हो गया है तुम लोगों का, चलो खाना परोसो सबके लिए। ये क्या रेणुका, ना दाल ना चावल, हम भी इतना कम खाना। अच्छा हुआ कि मैंने ज्यादा बनाया है, नहीं तो तुम्हारे भरोसे रहते ना तो सब लोग भूखे ही रह जाते। खाइए ना। खाना स्वादिष्ट है। कैसे कर लेते हो? हाँ रेणुका, खाना बहुत अच्छा बना है। मेरा भी खाना चखिए ना।
इतना नमक? मसाला भी ज्यादा है और मसाला भुना हुआ भी नहीं है। तापी, ऐसा खाना कोई कैसे खा पाएगा? ऊपर से इतना सारा बनाया है, सब बेकार जाएगा। बाबा दाल खाइए ना। इसमें भी नमक तेज है। टापी, इसे खाना नहीं कहते, खाने की बर्बादी कहते हैं। देखो, भले रेणुका ने खाना कम बनाया है, लेकिन खाना कम से कम खाने लग तो है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने खाना बनने के बाद चखा था, तब तो सब ठीक था। टापी ताई हड़बड़ी में होगी, इसलिए उनका ध्यान नहीं रहा होगा। खाना अच्छा बनाने के चक्कर में सब चीजें दो दो बार डाल दी होंगी। अब ध्यान नहीं रहेगा तो ऐसा ही होगा ना। भले ही मैंने कम खाना बनाया हो, पर लोग भूखे नहीं रहेंगे। कारण कुछ भी हो, लेकिन इस काम में तो रेणुका जीती। लेकिन मैं लाल मिर्च खरीद के लाई नहीं थी, तो फिर मेरे चूल्हे के पास मिर्च कैसे गिरी? तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि सब्जियां लाने में तापी जीती और खाना बनाने में रेणुका। तो पुरस्कार किसको मिलेगा? वैसे मुझे लगता है मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे अच्छा प्रदर्शन मेरा ही रहा है। ऐसे कैसे तुम्हारे हिसाब से तुम्हें मिलना चाहिए? हम दोनों बराबरी पे हैं, और ऐसे देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं ही जीती थी ना। साई, तुम ही बताओ कौन जीता है? मेरे हिसाब से दोनों में ही कुछ कमजोरियां और कुछ मजबूत पक्ष देखने को मिले हमें। दोनों ने ही अधिकतर कामों को सही तरीके से किया, पर एक एक गलती दोनों ने की है। तो मेरे हिसाब से इन लोगों को कुछ दिनों का समय और दिया जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि ये अपनी की हुई गलती में कितना सुधार कर सकते हैं, खुद में कितना बदलाव ला सकते हैं, और उसके बाद ही ये फैसला किया जाना चाहिए कि कौन जीता और कौन हारा। साई के ऐसा कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? मतलब ये कि आज से घर के सभी सदस्यों के लिए खाना आप पकाएंगी, क्योंकि आप खाना बनाने के काम में हार गई हैं, और आप घर से बाहर के सभी कामों को करेंगी, क्योंकि आप घर से बाहर जाकर खरीदारी करने के काम में हार गई थी। इसका मतलब हम अपना घूमना फिरना चालू रख सकते हैं। लेकिन साई, मैंने बाहर का काम बेहतर किया और उसने खाना पकाने का काम बेहतर किया, तो जो जिस काम में अच्छा है उसे वो काम मिलना चाहिए ना। फिर ये उल्टा क्यों? वो इसलिए क्योंकि हर इंसान को अपनी कमजोरी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए।
अपने कमजोर पक्ष को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए ये आप दोनों का इम्तिहान है। आपको बिना किसी गड़बड़ी के साफ सफाई से रसोई में खाना बनाना सीखना है और आपको घर के बाहर के काम जल्दी से जल्दी निपटाना सीखना है। समय का मूल्य सीखना है ताकि घर के कामों में कोई रुकावट ना आए। वहिनी, आप पाटिल जी के रिश्तेदार हैं। हाँ। तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, जितनी चाहे सब्जियां ले जाइए, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं। मैं देखती हूँ। अरे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने कहा था कि मैं शाम को पैसे दे दूंगी, तो मैंने सोचा कि आप लोग पाटिल जी के मेहमान हैं, तो फिर मैं मेहमानों को क्यों कष्ट दूं, इसलिए मैं पैसे लेने खुद ही आ गया। हाँ, ये लो अपने पैसे, अब जाओ यहाँ से, जाओ। अच्छा। अच्छा, तो इस तरह आप लोगों ने पहला काम जीता बेईमानी करके। मैं अभी साई को बताती हूँ। मैं भी बता दूंगी। कि मेरे बनाए हुए खाने में अतिरिक्त नमक मिर्च डालने वाली तुम ही थी। फिर साफ हो जाएगा कि खाना बनाने में भी मैं ही जीती। जानती हो, खाना बनाने के बाद ना मैंने सारे व्यंजनों को चखा था, सब ठीक था। मुझे पता है खाना तुमने ही बर्बाद किया है। आपके पास कोई सबूत है? डरिए मत, मैं साई को कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि वैसे भी जो काम मुझे चाहिए था वो मुझे मिल चुका है। तो मैं अपनी जी जान लगा दूंगी और प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगी। मैं भी देखती हूँ तुम कैसे जीतती हो। वो पुरस्कार मेरा है। कहाँ फंस गई मैं? हाँ तो छोड़ दो ना प्रतियोगिता, वो बैरागी क्या सोचता है, इससे क्या फर्क पड़ता है हमें? फर्क पड़ता है, मैं जो ये सब कर रही हूँ ना, रेणुका को हरा के उपहार पाने के लिए कर रही हूँ। उपहार? मैंने उस फकीर को खुद का पेट भरने के लिए भीख मांगते देखा है, वो क्या उपहार देगा किसी को? वो अपने चमत्कारों के लिए जाने जाते हैं, और मामी ने मुझे सब बता दिया है कि उन्होंने क्या क्या किया है। क्या किया? अरे, गांव की औरतें कह रही थी कि पंडरी नाम का गरीब किसान है, उसको साई ने 3 सोने के सिक्के दिए। 3? 3 सोने के सिक्के? हाँ, और यही नहीं, कनपतराव नाम का एक कलाकार आया था शिरडी में, उसको तो झोला भर के पैसे दिए साई ने। लोगों की किस्मत बदलने के लिए और जरूरतमंद को मालामाल करने के लिए जाने जाते हैं साई। भी कैसी बातों पर विश्वास करने लगी तापी, ऐसा कहीं होता है क्या? साई के पास होता है, जो भी उनके पास जाता है ना उसकी तकदीर बदल जाती है। सोचिए, अगर साई हमसे खुश हो गए या हम उन्हें प्रभावित करने में सफल हो गए, तो तय रहा कि वो उपहार हमें ही देंगे, और वो तोहफा बेहद बेशकीमती होगा। उठो, सूरज सर पे चढ़ाया है, अब तक ये महारानियां सो रही है। आई, घोड़े बेचकर सो रही है दोनों। उठो वरना प्रतियोगिता हार जाओगी, इनाम किसी को नहीं मिलेगा। Thank you.
पति योगिता का नाम सुनते कैसे उठ गई दोनों, बड़ी लालची है। आ गई तुम दोनों, अपना दिमाग नहीं है क्या तुम लोगों का? कितनी बार जगाया, सुबह का वक्त है, पानी कितना लगता है। तापी तुम्हें नाश्ता बनाना था और रेनू का तुम्हें पानी भरने जाना था, लेकिन नहीं, तुम लोग तो ऐसे सो रहे थे जैसे लड़की की विदाई के बाद सोता है कोई। अरे भाईजा ने जिम्मेदारी तुम लोगों को दी थी, फिर भी उसके बावजूद वो पानी भर के लाई, सब घर का नाश्ता बनाया, और तुम लोग कहां थे? ताई, इन दोनों को लगा होगा मैंने सुबह सुबह टहलने भेज दूंगा, इस डर से ये दोनों कहीं गायब हो गए, आलसी कहीं के। भाई साहब, नहीं साई को मत बताइएगा ना ये सब। देखा आई, तुम दोनों को वैसी सांस मिलनी चाहिए थी जैसी मैं एक समय हुआ करती थी। क्यों भाईजा, क्या आई आप भी? ठीक है, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसलिए हम साईं को नहीं बताएंगे, लेकिन ये गलती भी आखिरी होनी चाहिए। याद करो, साईं ने कहा था घर के और बाहर के सब कामों की जिम्मेदारियां तुम चारों पर है, और तुम चारों जो करोगे हम सिर्फ देखेंगे। हाँ रेनुका, इतने सारे लोग हैं घर में, सबके नहाने का, कपड़े धोने का, खाना बनाने का, पीने का और फिर बर्तन धोने का, सबके लिए पानी चाहिए होगा, और घर से कुएं तक कम से कम 8 से 9 बार चक्कर लगेंगे तब जाकर पानी पूरा होगा। हे भगवान, इतनी धूप में इतना काम, काम ही करते रहेंगे तो घूमेंगे कब? पानी भरना भी कोई काम होता है क्या? काश ये काम मुझे मिला होता, लेकिन नहीं, मुझे तो चूल्हे में ही लगना है इतने लोगों का खाना बनाने के लिए, वो भी अकेले। तुम क्यों परेशान हो रही हो रेनुका, पानी लेने के लिए मैं साथ चलूंगा ना, अब फिर हम दोनों किराना लेने चलेंगे। क्यों गुस्सा करती हो? मैं करूंगा ना तुम्हारी मदद।